नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। हिमाचल प्रदेश अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। पांच जो सबसे बड़े नोटिफिकेशन भरे जाने वाले उसकी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि किस विभाग में कितने पद भरे जाएंगे। पूरी जानकारी स्क्रीन पर ला रहे हैं। जैसे अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब 2020 के नीचे जो ये नंबर आप देख रहे हैं, ये वो पद है जो विभिन्न विभागों में भरे जाने वाले हैं, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जैसे 1209 है, 660 है, 200 है, 150 है, 1225 है, 1578 है, तो 2300, 22 जो पद है, टोटल है 7344 पद। ये आने वाले टाइम में ये जो बजट पेश होगा इसके बाद हिमाचल प्रदेश के लिए ये पद भरे जाने वाले हैं। घोषणा हो चुकी है, अनुमति इन पदों को भरने की दे चुके, तो अब पद कौन से उनको आप जो देखेगा। 5 से 6 नोटिफिकेशन लास्ट तक देखिए। देखिएगा नोटिफिकेशन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये है हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की। 1209 जो पद है इसमें ये और भरे आपके जाने वाले, 1095 पद अभी भरे गए थे आपके हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा, हमीरपुर चयन बोर्ड द्वारा। अभी 1095 जो पद है इस पर एक विज्ञापन जारी किया गया था। अब बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो अदर जो वैकेंसीज है जो इनमें नहीं आई थी वो कब भरी जाएगी। टोटल जो पद है वो भरे जाएगा 1209, ये 1200 पद है ये भरे आपके जाने वाले। इसमें HPSSC हिमाचल प्रदेश SSC की वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इससे पहले हम आपको अपडेट्स दे देंगे कि ये पद भरे जाने वाले हैं। 1209 जो पद है इसमें ये भरे जाने वाले, विभिन्न विभागों में ये जो पद है ये आपके भरे इसमें जाने वाले हैं। अब कौन से पोस्ट है जो इसमें भरे जाने वाले वो हम आपको जानकारी आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, आप उसको नोट जरूर कर लीजिए। देखिएगा पदों की जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। JEE की पोस्ट है इसमें, फेटर है, लैब असिस्टेंट है, ड्राफ्ट मैन है, और सर्वेयर की पोस्ट इसमें भरी जाएंगी, पंप ऑपरेटर की पोस्ट इसमें भरी जाएंगी, असिस्टेंट की पोस्ट इसमें भरी जाएगी। तो ये JEE फेटर, लैब असिस्टेंट, ड्राफ्ट मैन की जो वैकेंसी इसमें भरी जाएगी, साथ में सर्वेयर है, पंप ऑपरेटर, असिस्टेंट है। अगली नोटिफिकेशन नंबर 2 है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में ये जो पद है ये आपके भरे जाने वाले हैं। पदों की संख्या 660, कैबिनेट द्वारा इनको भरने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। ये जो पद है ये भरे जाने वाले बजट के बाद, और पूरी जानकारी इसकी हम आपको दे रहे हैं कि कौन से पद है, कौन सी पोस्ट, नेम क्या है, तो वो हम आपको बताएंगे। क्वालिफिकेशन को आप अभी छोड़ दीजिएगा क्योंकि क्वालिफिकेशन के बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि इसमें चेंजिंग होती रहती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 10th बेस पर भरे जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये 10th बेस पर या ITI पर भरे जाएंगे, और ये कंपलसरी इसमें नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्लस टू पर भरे जाएंगे या ग्रेजुएट चाहिए इसके लिए। तो क्वालिफिकेशन को आप छोड़ दीजिएगा, ये जो पोस्ट है ये भरे जाने वाले बिजली बोर्ड में 660 जो पद ये भरे जाएंगे आपके। अब पोस्ट नेम कौन सी है वो आप देख, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 660 पद ये टेक्निकल स्टाफ पर 660 जो पद ये आपके भरे जाएंगे। आप काउंटिंग को करते जाएगा, 7344 जो पद है टोटल ये भरे जाएंगे। हमारी जो नोटिफिकेशन है इसमें ये जानकारी आपको दी हुई है। अगली जो नोटिफिकेशन है वो हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग, जिसका नाम पहले IPS था, इसको बदल कर अब हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग IPS का नाम किया गया है, ठीक है। और पदों की संख्या की बात करें तो 1578 जो पद है इसमें ये भरे आपके जाएंगे, और साथ में मार्च के बाद जो 2322 जो पद ये भरे आपके जाएंगे। कल 11 फरवरी 2020 का आपने न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा है तो पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी कि ये जो पद है ये आपके भरे जाने वाले हैं। 1578 पदों के लिए जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई, और इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है वो आपकी एक कमेटी करेगी। 10 साल के बाद आप इसमें रेगुलर हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश IPS या फिर जल शक्ति विभाग में। तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन कौन करेगा, तो STO, STM और JEE की एक कमेटी बनेगी जो मंडल है चोल में तहसील पर, और उसमें जो आपका सिलेक्शन इन पदों के लिए किया जाएगा। अब कौन से पद है वो हम आपको बता चुके हैं, अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए ऊपर आपकी स्क्रीन पर आई बटन आ रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आई बटन में आपको जो वैकेंसी अभी जारी की गई या जो भरी जाने वाली उसकी जानकारी आपको दी हुई है वो आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पदों की, तो विभिन्न पदों पर ये भर्ती जो ये आपकी होने वाली, आप पद कौन से वो आप चेक इसको जरूर कर लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर हम कल का न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी पोस्ट है जो इसमें भरी जाने वाली है। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रही है कल के न्यूज़पेपर की कटिंग है। 1578 पैरा कार्यकर्ता के
भर्ती करेगा हिमाचल प्रदेश आईपीएस विभाग। दिन में 6 घंटे होगी ड्यूटी, 10 साल के बाद नियमित हो जाएगी। 31 मार्च से आउटसोर्स पद था जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इसको बंद कर रही है, और कुल जो पद 2322 ये मार्च के बाद आपके भरे जाने वाले हैं। पद कौन से वो आप देख लीजिएगा, 417 है पंप ऑपरेटर, 287 पैराफेटर और 874 बहुद्देश्य कार्यकर्ता की ये जो पद ये भरे जाएंगे। 394 नई पेयजल योजना इनके लिए, इनको चलाने के लिए जो पद ये आपके भरे जाने वाले हैं। पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। पंप ऑपरेटर को 4000 और बहुद्देश्य कार्यकर्ता को मिलेगा 3000 मानदेय। 10 साल के बाद आप जब रेगुलर इसमें हो जाएगी तो आपकी सैलरी 30000 तक पहुँच जाएगी स्टार्टिंग पर, ठीक है। तो ये बड़ी जानकारी है, हिमाचल प्रदेश आईपीएस पहले जिसको जाना जाता था अब जल शक्ति विभाग उसका नाम हो गया, और 1578 जो पद ये एक कमेटी के द्वारा इन पदों के लिए आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। उसके बाद फिर मार्च के बाद जब बजट वगैरह सब कुछ हो जाएगा तो इसमें 2322 पद जो सबसे पहले हम आपको पिछले 2 साल से बता रहे हैं कि ये 2322 जो पद ये भरे जाने वाले थे, परंतु आपको पता होगा ठेकेदार प्रथा चली हुई थी हिमाचल में और ठेकेदार इसको आईपीएस को चला रहे थे, अब सरकार इसको खुद चलाएगी आईपीएस विभाग को। तो ये जो पद है ये भरे आपके इसमें जाने वाले हैं। 4000 सैलरी मिलेगी पंप ऑपरेटर को और बहुद्देश्य कार्यकर्ता को 3000 सैलरी इसमें दी जाएगी। नोटिफिकेशन नंबर 4 है, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट में ये जो वैकेंसी ये आपकी भरी जाने वाली है। पदों की संख्या की बात करें तो 200 पद इसमें ये भरे आपके जाने वाले हैं। साथ में पंचायती राज डिपार्टमेंट में बहुत से पद है अलग से, वो हम आपको बता रहे हैं इसी में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट में ही ये जो वैकेंसी है भरी आपकी जाने वाली है। विभिन्न पदों पर होगी भर्ती, तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी। अभी कुछ टाइम पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें जो पोस्ट थी इनको भरने के लिए अनुमति दी गई थी, जो अभी सिलाई 6 का पंचायत में हिमाचल में जो जॉब कर रही है ड्यूटी अपनी दे रही है उनको भी इसमें आरक्षण दिया गया था। साथ में जो जिन्होंने MBA की हुई है उनको भी इसमें 3% रिजर्वेशन दी गई थी। आपको पता होगा ये जो भर्ती है ये बजट के बाद आने वाली मेंस के 2020 में ये जो वैकेंसी में ये भरी आपकी जाने वाली, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब पदों की संख्या की बात करें तो 200 पद ये भरे आपके जाने वाले हैं। नेम ऑफ द पोस्ट है पंचायत सचिव, ये वैकेंसी जो इसमें भरी आपकी जाने वाली है। पंचायत सचिव की जो वैकेंसी है पोस्ट है इसमें ये भरी जाने वाली है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग में। 200 पद हो गए पंचायती राज सचिव की इसमें पोस्ट है जो ये भरी जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है इसमें कि जो इसके लिए क्वालिफिकेशन है वो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट आपने MBA आपने BA की है BSc की है BCom की है जो भी आपने किया है, जैसे अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर आपने ग्रेजुएट के बाद MBA किया तो आपको 3% इसमें कोटा आपको रिजर्वेशन आरक्षण इसमें मिल जाएगा, फिर इस प्रकार से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। और जो पंचायत 6 का है जो अभी वर्तमान में कार्यरत है उनके लिए जो क्वालिफिकेशन इन पोस्टों के लिए होने वाली वो आप 12 पास, अगर आप 12 पास है आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे। नोटिफिकेशन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ रही है, हिमाचल प्रदेश वन विभाग या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये पद भरे जाएंगे। आपके पहले थे 113 पद, परंतु कैबिनेट में इनको बढ़ाने के लिए भी मंजूरी की बात चल रही है। ये पद अगर बढ़ते हैं तो 150 तक जो पद है ये आपके हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भरे जाएंगे। नेम ऑफ द पोस्ट होगा फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड की जो पद इसमें भरे जाने वाले हैं। बड़ी जानकारी हम आपके लिए, स्पष्ट जानकारी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। प्लस टू पास हो आप, 12 अगर आप पास हो इन पदों के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो 150 जो पद है ये फॉरेस्ट गार्ड में, फॉरेस्ट गार्ड के ये जो पद है ये आपके इसमें भरे जाने वाले, तो उनको आप नोट कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बहुत जल्द इसके आने वाली है, परंतु इसमें कुछ जो चेंजिंग है वो होने वाले, जैसे कि RNP रोल जो है उनमें चेंजिंग नहीं हुई है अभी तक इसमें, तो वो अगर उसमें चेंजिंग होती है तो उसके बाद इसमें जो संशोधन होने के बाद ये भर्ती निकलेगी। बड़ी जानकारी है, इस भर्ती के लिए जो फॉर्म वगैरह वो आपके भरना शुरू हो चुके थे, परंतु जो बाहरी राज्यों के नागरिक हिमाचल प्रदेश के लिए आवेदन करते हैं उनके लिए कंडीशन रखी गई थी कि अगर आप जो बाहरी राज्यों के नागरिक, बाहरी राज्यों के जो छात्र अभ्यर्थी है वो अगर आप हिमाचल प्रदेश में नहीं पढ़े हुए तो फिर आप इन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से ये डायरेक्ट बैन किया गया था और जो हिमाचल से नहीं है उनके लिए कि आप अगर आप हिमाचल में पढ़े तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 6 है, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 1225 जो पद है ये अतिरिक्त आपके भरे जाएंगे। नेम ऑफ द पोस्ट कॉन्स्टेबल की वैकेंसी में होगी, 1225 जो पद इसमें ये भरे जाएंगे।
नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट की 1225 पदों पर ही भर्ती होगी, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। नेम ऑफ द पोस्ट होगा कॉन्स्टेबल, और अब जो जानकारी हम आपको देने वाले वो आप देखिएगा। तो बजट के बाद भरे जाएंगे ये पद, ये पूरी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। 1209 पद जो है जिनकी जानकारी हमने आपको दी है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ये हमीरपुर चयन बोर्ड में भरे जाएंगे, साथ में ये जो पद है जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भरे जाएंगे, और ये जो 200 पद है ये पंचायती राज में भरे जाएंगे, ये जो पद है ये आपके भरे जाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। 1225 जो पद है जिनकी जानकारी अभी हमने आपको दी है भरे जाएंगे, और 1225 जो पद है ये हिमाचल प्रदेश पुलिस में भरे जाएंगे, और साथ में 1578 पद जो है जिनके लिए अधिसूचना कल 11 फरवरी को जारी की गई है IPS में भरे जाएंगे, आप जिसका नाम जल शक्ति विभाग रखा गया है, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग। और ये जो पद है 2322 पद ये मार्च के बाद ये जो 2322 जो पद है ये टोटल आपके भरे जाएंगे IPS या जल शक्ति विभाग में मार्च के बाद, ठीक है। पहले 1578 पद भरे जाएंगे, उसके बाद ये भरे जाएंगे, और बहुत से पद जो IPS में आने वाले टाइम में भरे जाएंगे। अभी आपकी स्क्रीन पर आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, ये अलग अलग विभागों में 5 से 6 नोटिफिकेशन हमने आपको इसमें ऐड की है दिखाने के लिए। कुल पदों की संख्या अगर इन्हीं पदों की बात करें तो 7344 जो ये पद ये आपके इसमें भरे जाने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपने अगर बेल आइकन को नहीं दबाया तो ये बड़ी जानकारी होने वाली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये जो पद ये बजट के बाद जो बजट पेश होने वाला है इसके बाद ये जो पदों इस पर भर्ती होना शुरू हो जाएगी, बड़ी जानकारी आपके लिए ये। तो अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स हम आपको दे रहे थे, जो पद ये आपके इसमें भरे जाएंगे। अभी के लिए इतने, नमस्कार। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।